तो आज का प्रातः क्लास है 12 दिसंबर 1967 मंगलवार। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज ऑफ द 12 दिसंबर 1967 ट्यूसडे। रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। द रिकॉर्ड सॉन्ग प्लेड इज मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में मीनिंग I will die in your lane and I will live in your lane. गली क्या होती है? What is a lane? गली तो बेहद की बात है ना, बेहद का बाप बोलते हैं। It is something metaphorical, isn't it? The unlimited father speaks about it. गली माने रास्ता। गली means a path. वो तो ठीक है, गली माने रास्ता। It is correct that गली means a path. ग्रामीण भाषा में गली बोलते हैं। इट इज कॉल्ड गली इन रूरल लैंग्वेज। और हिंदी में रास्ता बोलते हैं। एंड इट इज कॉल्ड रास्ता पाथ इन हिंदी। लेकिन बेहद का अर्थ क्या है? बट व्हाट इज द अनलिमिटेड मीनिंग? बेहद का अर्थ है श्रीमत। द अनलिमिटेड मीनिंग इज श्रीमत। अर्थात जिस रास्ते पर चलाना चाहें, जिस डायरेक्शन पर चलाना चाहें। इट मीन्स द पाथ यू वॉन्ट टू फॉलो, द डायरेक्शन यू वॉन्ट टू फॉलो, तेरे उसी डायरेक्शन पर चलेंगे। वी विल फॉलो ओनली दैट डायरेक्शन ऑफ योर्स। और जैसे संगमरमर नाम पड़ा। एंड जस्ट लाइक द नेम संगमरमर मार्बल इज गिवन। संगमरमर Sang means to stay together. Mar means to die. Literally means to die while being together. Kiske saath marmar? You should die while staying with whom? Hain? Jaise Kunti ka misal dete hain, Kauravon ke saath parivar mein marmar ki rahi. Just like the example of Kunti is given. She lived in the family with the Kauravas and endured the distress. ऐसे ही अगर देवान से मरना भी पड़े, देह छोड़ना भी पड़े, तो भी तेरे रास्ते पर ही चलना है। Similarly, even if we have to die from body consciousness, even if we have to leave the body, we will follow only your path. और जीना तेरी गली में। And we have to live in your lane. और अगर दिव्य जीवन मिलता है, देवताई जीवन, विष्णु लोक की या स्वर्ग लोक की। इफ वी रिसीव अ डिवाइन लाइफ, अ लाइफ लाइक दैट ऑफ द डीटीज, अ लाइफ ऑफ विष्णु लोक, द अबोर्ड ऑफ विष्णु और ऑफ हेवन, तो जीना भी तेरी गली में। इवन देन वी हैव टू लिव इन योर लेन। तो स्वर्ग लोक में और विष्णु लोक में जीने वाला रास्ता क्या है? So what is the method to live in the abode of heaven and Vishnu Lok? आत्मिक स्थिति। The soul conscious stage. तो आत्मिक स्थिति में ही रहना। So you should remain just in the soul conscious stage. मरना या जीना कुछ भी हो। Whether I have to die or live or do anything. तेरी ही श्रीमत रूपी गली में रास्ते में चलना है। I have to follow only your Srimat-like lane or path. उसकी यादगार में बनाई दिया है त्रिमूर्ति शिव की यादगार में त्रिमूर्ति रोड। They have made the Trimurti road as a yadgar, the yadgar of Trimurti Shiv. Direction कौन देता है? Who gives the directions? तीन मूर्तियों के द्वारा direction देता है। He, the father Shiv, gives directions to the three personalities. या तो ब्रह्मा के द्वारा मुख से वाणी से डायरेक्शन देता है बोल बोल कर। Either he gives directions through the mouth of Brahma, through the vani, voice, by speaking. या तो विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म करके वह डायरेक्शन देता है कि भैया इसे कर्म करो। Or else he gives directions through Vishnu by performing actions in practice, saying, brother, perform such actions. तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। Then your mercury of happiness will rise up to your head. और तीसरा direction किसके द्वारा? And through whom does he give the third direction?
मन बुद्धि के द्वारा वाइब्रेशन से भी डायरेक्शन मिलता है। भाई हमको ऐसी प्रेरणा आ रही है, वाइब्रेशन आ रहा है कि हमें ऐसे करना है। वी रिसीव अ डायरेक्शन थ्रू द माइंड एंड द इंटेलेक्ट थ्रू वाइब्रेशंस। सम से ब्रदर आई एम रिसीविंग सच इंस्पिरेशन सच वाइब्रेशंस दैट आई हैव टू डू दिस। तो तीनों ही मूर्तियों के द्वारा जो रास्ता मिलता है वो मिलता किसके द्वारा है? एक के द्वारा या तीन के द्वारा? सो द पाथ डायरेक्शंस दैट यू रिसीव थ्रू ऑल द थ्री पर्सनालिटीज, हु डू यू रिसीव इट फ्रॉम? Do you receive it through the one or through three personalities? एक के द्वारा। Through the one. इसलिए नाम रख दिया है त्रिमूर्ति रोड। This is why they have named it त्रिमूर्ति रोड। क्योंकि तीनों टिवाटे, तीनों रास्ते एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। It is because all the three junctions, all the three paths meet at one point. वो ज्योतिबिंदु, ज्योतिर्लिंगम शिव की यादगार है। It is the yadgar of the point of light, Jyotirlingam Shiv. Shiva nirakar jis sakar mein pravesh karke use sansar mein pratyaksh karte hain ki uske dwara bataya hua rasta. Shiv, the incorporeal, enters the corporeal one and is revealed in the world. It is the path shown through him. Srimat, shreshth te shreshth. Shiva kehte hain, main shreshth या भ्रष्ट नहीं बनता हूँ। इट इज श्रीमत द मोस्ट एलिवेटेड डायरेक्शन। शिव सेज आई डोंट बिकम एलिवेटेड और करप्ट। मेरी तुलना मेरा कंट्रास्ट किसी के साथ नहीं कर सकते। यू कांट कंपेयर मी और पुट मी इन कॉन्ट्रास्ट विद एनीवन। मैं जिस में प्रवेश करता हूँ वो ऊंचते ऊंच भी बनता है और नीचते नीच भी बनता है। The one whom I enter becomes the highest of the high as well as the lowest of the low. Om Shanti. Om Shanti. बच्चों ने ये गीत सुना। The children heard this song. सिर्फ गीत सुना, कनरस में सुना, या ऐसा का अर्थ भी समझा? Did they just hear the song? Did they hear it just for the pleasure of the ears? Kanaras. Or did they also understand its meaning? है? कनरस में सिर्फ नहीं। You shouldn't hear it just for the pleasure of the ears. क्योंकि कान का कनेक्शन तो कर्ण के साथ है। It is because the connection of the ears, कान, is with कर्ण। कर्ण का नाम सुना? Have you heard the name of कर्ण? हाँ, कौरव संप्रदाय को सहयोग देने वाला महारथी। Student replies. Yes, the great warrior who supported the community of the Kauravas. तो वो तो कर्ण की यादगार है। So, it is the yadgar of Karn. उसके कानों के कुंडल बहुत प्रसिद्ध है। The earrings of his ears are very famous. किस बात में प्रसिद्ध है? They are famous for what? बुरा मत सुनो। Don't listen to anything bad. कहते हैं ना? They say this, don't they? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। Don't see anything bad, don't speak anything bad, and don't hear anything bad. तो उस कर्ण की यादगार हैं। So, it is the yadgar of that Karn. कर्ण का पाठधारी भी है। There is also the actor Karn. है? ब्राह्मणों की दुनिया में कर्ण का पाठधारी कौन है? Who is the one who plays the role of Karn in the Brahmin world? Brahma. Brahma. कानों से सबसे पहले सुनता है कि बाद में सुनता है? Does he hear through the ears first of all, or does he hear later? है? सबसे पहले उसके कान सुनते हैं, इसलिए भी Karna नाम। It is his ears that listen to the knowledge first of all. This is also the reason that he is named Karn. और सबसे जास्ती जो सुनाया हुआ ज्ञान है शिव का वो सुनाता कौन है? एंड हु नरेट्स द नॉलेज नरेटेड बाय शिव द मोस्ट? वो ही सुनाता है। इट इज ही अलोन हु नरेट्स इट। तो भी कर्ण हुआ। ही इज कर्ण फॉर दैट रीजन एज वेल। तो काम के आधार पर नाम पक्का
कर्ण पड़ा हुआ है. सो ही हैज रिसीव्ड द परफेक्ट नेम कर्ण बेस्ड ऑन द टास्क ही परफॉर्म्ड. और बच्चा किसका है? एंड हूज चाइल्ड इज ही? शास्त्र में दिखाई दिया अधिरथ का बच्चा है. इट इज शोन इन द स्क्रिप्चर्स दैट ही इज द चाइल्ड ऑफ अधिरथ. रथ माने शरीर रूपी रथ. रथ मीन्स द चैरियट लाइक बॉडी. जिसने शरीर रूपी रथ के ऊपर अधिकार किया हुआ है उसका नाम अधिरथ रख दिया. कर्ण का बाप पालने वाला. द वन हु हैज कंट्रोल्ड द चैरियट लाइक बॉडी इज गिवन द नेम अधिरथ द फादर ऑफ कर्ण हु सस्टेन्ड हिम. क्या? वॉट? स्टूडेंट कमेंट्स. यस. वेद में जो वेद का रथ है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप का रथ उसको चलाने वाला पालने वाला कौन? सो इन द अनलिमिटेड हु इज द वन हु डायरेक्ट्स सस्टेन्स द अनलिमिटेड चैरियट द चैरियट ऑफ द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड. है कहेंगे ज्ञान सूर्य शिव. इट विल बी सेड दैट ही इज द सन ऑफ नॉलेज शिव. तो अधिरथ कहो चाहे सूर्य कहो चाहे सूर्य का बच्चा कहो. सो कॉल हिम अधिरथ कॉल हिम द सन और कॉल हिम कर्ण द चाइल्ड ऑफ द सन. अरे कर्ण को जन्म किसने दिया? अरे हु गिव बर्थ टू कर्ण? कोई स्थूल रथ चलाने वाले अधिरथ जिसका नाम दिया उसने जन्म दिया. Did the one who drives the physical chariot, who was named Adhirath, give birth to him? Yes, Surya Devata ne janm diya. Or did the deity son give birth to him? Haan, Surya Deva ne janm diya. Student replies, yes, the deity son gave birth to him. To dekho, sari baatein is Purushottam Sangam Yuga ki hain, jo shastra mein likhi hui. So look. Everything that is written in the scriptures is about this elevated confluence age. To geet bhi suna, geet ka arth bhi suna. So you heard the song as well as the meaning of the song. Ye geet ka arth bhi bachchon ko andar mein vichar sagar manthan karke nayi nayi baatein nikalna chahiye. The children should churn the ocean of thoughts within over the meaning of this song and bring out new points. Kyon nikalna chahiye? Why should they bring them out? मंथन करके निकालेंगे. If you churn the ocean of thoughts and bring out new points, तो जो अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ है वो प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? Will the अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ be revealed or not? अविनाशी का मतलब क्या है? What does अविनाशी imperishable mean? है? क्या सिर्फ संगम युग में ही रहता है वो ज्ञान? Does that knowledge remain only in the confluence age? कहाँ रहता है? Student replies, yes. Where does it remain? अरे सारे षष्टि चक्र में रहता है. अरे does it remain in the entire world cycle? सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक वो ज्ञान इस षष्टि पर रहता है या लुप हो जाता है? Does that knowledge remain in this world from the golden age till the end of the iron age? Or does it vanish? कि भाई निराकार शिव ज्योति चली गई. Brother, if the incorporeal point of light Shiva departed, तो अकूट ज्ञान का भंडारी चला गया तो ज्ञान लोप हो जाएगा. नहीं. The one who has the inexhaustible storehouse of knowledge went away, so the knowledge will vanish. No. बाप कहते हैं जिस मुकर रथ में मैं प्रवेश करता हूँ उसमें मैं सारा ही अकूट ज्ञान का भंडार डाल देता हूँ. द फादर सेज द परमानेंट चैरियट आई एंटर आई पुट द एंटायर इनएग्जॉस्टेबल स्टोरर्स ऑफ नॉलेज इन हिम. ये सब विचार सागर मंथन बुद्धि में चलना चाहिए. सो यू शुड चर्न द ओशन ऑफ थॉट्स ओवर ऑल दिस इन द इंटेलेक्ट. और ये किसने कहा? मरना तेरी गली में. एंड हु सेड मरना तेरी गली में? बताओ भाई. टेल मी ब्रदर. बाबा पूछते हैं तो बताना भी चाहिए ना. व्हेन बाबा आस्क्स यू यू शुड आंसर शुडंट यू. है? अरे किसने कहा? अरे हु सेड दिस? राम कहाँ से कूद पड़ा? स्टूडेंट रिप्लाइज फ्रॉम वेयर डिड राम कम हियर.
राम तो त्रेता युग में नाम राम रख दिया है। दे हैव केप्ट द नेम राम इन द सिल्वर एज। है हाँ, राम तो नाम तब पड़ेगा जब संपूर्ण योगी बने। स्टूडेंट कमेंट्स, यस द नेम राम विल बी गिवन व्हेन ही बिकम्स अ कंप्लीट योगी। तो राम नाम पड़े जिसका अर्थ ही होता है रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। देन ही इज गिवन द नेम राम विद अ वेरी मीनिंग रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, खेलते हैं, तो किसमें खेलते हैं? द वन इन हुज रिमेम्बरेंस द योगीज टेक डिलाइट एंड प्ले। सो विद हुम डू दे प्ले? अधूरे राम में या ये हुई योगीश्वर राम में? विद इनकम्प्लीट राम और विद योगीश्वर राम? योगीश्वर राम में खेलते हैं। दे प्ले इन द रिमेम्बरेंस ऑफ योगीश्वर राम। तो मरना तेरी गली में माने कौन कह रहा है? सो हु इज सेइंग मरना तेरी गली में? क्या साबित हुआ? व्हाट इज प्रूव्ड? हैं? हाँ, जो माँ है। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस द मदर। शिव बाप आया है ना, तो जिस तन में प्रवेश करता है काम निकालने के लिए। द फादर शिव हैज कम हैजंट ही? सो द बॉडी ही एंटर्स इन ऑर्डर टू हैव द वर्क डन। नई सृष्टि को जन्म देना है ना। He has to give birth to the new world, hasn't he? तो काम निकालने के लिए अम्मा चाहिए। So he needs the mother in order to have the work done. बाप को क्या चाहिए? वो परम पिता है, तो परम अम्मा चाहिए, परम माँ चाहिए कि नहीं? What does the father need? When he is the supreme father, does he need the supreme mother or not? तो वो परम ब्रह्म जो पहचान लेती है आत्मा, उसकी बात है। वो कहती है पहले पहले क्या, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। सो इट इज अबाउट द सोल ऑफ परम ब्रह्म हु रिकॉग्नाइजेस हिम। ही सेज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अरे तुम्हारा क्या दिया? टू द स्टूडेंट हु वाज डाइवर्टेड बाय समथिंग, अरे व्हाट हार्म डिड इट ब्रिंग टू यू? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, माना? व्हाट डस मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में मीन? माना अगर मरना भी है देह से, तो तेरी श्रीमत पर, तेरे श्रीमत चलाए बताए हुए रास्ते पर। इट मीन्स इवन इफ आई हैव टू डाई फ्रॉम द बॉडी, आई विल डाई अकॉर्डिंग टू योर श्रीमत ऑन द पाथ यू हैव शोन। और जीना भी रहा है जिंदगी में, जीवन मुक्ति में, तो तेरे बताए हुए रास्ते। एंड इवन इफ आई हैव टू लिव माई लाइफ, लिव इन जीवन मुक्ति, आई विल लिव अकॉर्डिंग टू द पाथ यू हैव शोन। ये फिर नंबर वार आत्माओं ने कहा। द नंबर वाइज सोल्स सेड दिस। एक के बाद एक ने या सबने इकट्ठा कहा? डिड दे से इट वन आफ्टर द अदर और डिड एवरीवन से इट टुगेदर? हाँ, नंबर वाइज एक ने कहा। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस नंबर वाइज डिड वन सोल से इट। पहले एक ने कहा, फिर नंबर वार और दूसरी आत्माओं ने भी कहा। फर्स्ट वन सोल सेड इट, देन द अदर सोल्स आल्सो सेड इट नंबर वाइज। हाँ। स्टूडेंट कमेंट्स, यस। अरे भाई, आगे चल के बॉम्ब फटेंगे तो क्या कहेंगे आप? बॉम्ब फोड़ने वालों के सर फोड़ेंगे क्या पहले? टू द सेम स्टूडेंट हु वाज डाइवर्टेड, अरे ब्रदर व्हाट विल यू डू व्हेन द बॉम्ब्स एक्सप्लोड इन फ्यूचर? विल यू फर्स्ट ब्रेक द हेड ऑफ दोज़ हु एक्सप्लोड बॉम्ब्स? हमारी बुद्धि वहां पहुंच जाती है। अरे योर इंटेलेक्ट गोज देयर। तो ये आत्माओं ने कहा। सो द सोल सेड दिस। आत्म की स्थिति में स्थिर होने वालों ने कहा। Those who stabilize in the soul conscious stage said this. जो वास्तव में पतित ही गिनी जाती हैं। In reality, they are counted as the impure ones themselves. कौन? Who? है? जो ये कहने वाली आत्माएं हैं। The souls who say. क्या? What?
कि तेरी श्रीमत पर ही चलना है, चाहे मरना पड़े देह से और चाहे जीवन मुक्ति में जीवन में सुख भोगना पड़े। वी विल फॉलो ओनली योर श्रीमत, वेदर वी हैव टू डाई फ्रॉम द बॉडी और वेदर वी हैव टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इन लाइफ, लिबरेशन इन लाइफ। लेकिन तेरे रास्ते पर, तेरे बताए हुए डायरेक्शन के आधार पर ही चलना है। बट वी विल फॉलो ओनली योर पाथ, वी विल वर्क ओनली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन यू गिव। तो वो पतितात्माएं ही गए कही जाएंगी। सो दे विल सर्टेनली बी कॉल्ड द इम्प्योर सोल्स। क्योंकि पावन तो जब संपूर्ण बनेंगे तो अंत में ही कहेंगे। इट इज बिकॉज यू विल बी कॉल्ड प्योर ओनली इन द एंड व्हेन यू बिकम कंप्लीट। कि पहले बन जाएंगी और विल यू बिकम दैट बिफोर है, और जब पावन बन जाएंगी तो कहेंगी मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। एंड व्हेन यू बिकम प्योर विल यू से मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अरे फिर तो वो रहेगा ही नहीं श्रीमत देने वाला। अरे देन द वन हु गिव्स श्रीमत वोंट बी प्रेजेंट एट ऑल है। महादेव रहेगा कि विष्णु बन जाएगा। Will there be Mahadev or will he become Vishnu? हाँ, विष्णु देवता बन जाएगा। Student replies, Yes, he will become Vishnu, a deity. कैसा देवता? What kind of a deity? No wish at all. No wish at all. Wish means poison. शरीर का भान होगा कि नहीं होगा? Will he have the consciousness of the body or not? शरीर होगा लेकिन भान शरीर का ना आत्मिक स्थिति में स्थिर रहेगा। He will definitely have the body, but he won't have the consciousness of the body. He will remain stable in the soul conscious stage. तो बताया तो अंत में पावन बनेंगे तब पावन कहेंगे, जबकि शरीर भी पावन मिले। So it was said, you will be called pure when you become pure in the end. When you also receive a pure body. है? जब तक शंकर नामधारी है तो महादेव नाम तो है। Until he has the name Shankar, he does have the name Mahadev. है? क्या? What? देवताओं में बड़े ते बड़ा देवता तो है। He is definitely the highest of the high deity among all the deities. लेकिन शरीर कैसा है? But how is the body? पतित है, पतितम कामी कांटा है या पावन है? इज इट इम्प्योर, इज इट द मोस्ट इम्प्योर लस्टफुल थॉर्न और इज इट प्योर? हाँ, काला शरीर दिखाते हैं ना। हिज बॉडी इज शोन ब्लैक, इजंट इट? है सभी देवताओं को तो नहीं दिखाते। नॉट ऑल द डीटीज आर शोन विद अ ब्लैक बॉडी। लेकिन खास करके राम और कृष्ण को तो काला ही दिखाते हैं, क्यों? But Ram and Krishna are especially shown black, aren't they? Why? है? क्यों दिखाते हैं? Why are they shown black? क्योंकि पहले तो पतितन कामी कांटे में शिव बापा आते हैं ना। It is because the father Shiv comes in the most impure body, the lustful thorn first, doesn't he? है? उसी को पावन बनाते हैं। He makes him alone pure. पावन बनता है। निरोगी काया, कंचन काया बनती है योग बल से, तो फिर तो वापस चला जाता है आत्मलोक में। When he becomes pure, when the body becomes disease free through the power of remembrance, he goes back to the soul world. तो पावन शरीर तो पुरुषार्थ के अंत में ही मिलेगा। So you will get a pure body only at the end of your पुरुषार्थ। तब तक तो पतित ही कहे जावेंगे ना। Yes. You will certainly be called impure till then, won't you? आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। The soul is impure and the body is impure as well. अभी तो तुम बच्चे पुरुषार्थी हो। Now you children are पुरुषार्थी। अभी माने कभी? Now means when? है? जब तक ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं तब तक पुरुषार्थी हो। Until this elevated confluence exists, until you are making purusharth, you are a purusharthi. और फिर ये भी जानते हो किसके पास आकर के और मरना कहा जाता है।
And then you also know that when you go close to this one, it is called dying. क्या कहा? What was said? मेरे पास आकर नहीं. Not after coming close to me. इसके पास आकर. It is after going close to this one. किसके पास आकर के मरना कहा जाता है? It is said dying after going close to whom? अरे कुंती भी पत्थर बुद्धि. अरे कुंती इज ऑल्सो द वन विद स्टोन लाइक इंटेलेक्ट. पांडवों की माँ पत्थर बुद्धि. द मदर ऑफ द पांडवास इज द वन विद स्टोन लाइक इंटेलेक्ट. और जो पांडव कहा जाता है पंडा ले जाने वाला वो भी पत्थर बुद्धि. एंड द वन हु इज कॉल्ड पांडु पंडा द गाइड हु टेक्स अस विद हिम ऑल्सो हैज अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट. तो दोनों में कोई अंतर है पत्थरों में? सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टोन्स? कोई अंतर नहीं. वाह वो संगमरमर पत्थर एकदम व्हाइट सफेद. स्टूडेंट रिप्लाइज इजंट देयर एनी डिफरेंस? वाह दैट मार्बल संगमरमर पत्थर इज टोटली व्हाइट. और वो एकदम काला कलूटा बैगन लूटा ग्रेनाइट जैसा पत्थर. एंड द अदर स्टोन इज कोल ब्लैक लाइक एन एग प्लांट लाइक ग्रेनाइट. ज्यादा मजबूत कौन सा होता है? विच वन इज स्ट्रॉन्गर? ग्रेनाइट ज्यादा मजबूत होता है. ग्रेनाइट इज स्ट्रॉन्गर. और ये संगमरमर? एंड व्हाट अबाउट दिस मार्बल? उतना मजबूत नहीं है लेकिन देखने में. इट इज इन दैट स्ट्रॉन्ग बट हाउ डज इट अपियर? हा हा एकदम व्हाइट. आहा इट इज प्योर व्हाइट. दुनिया का कोई रंग नहीं. देर इज नो कलर ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट. तो बताया है, तुम जानते हो इसके पास आकर मरना कहा जाता है. सो इट वॉज सेड यू नो दैट इट इज सेड डाइंग आफ्टर गोइंग क्लोज टू दिस वन. किसके पास आकर? आफ्टर गोइंग क्लोज टू हूम? अरे मुकर्रर रथ के पास आकर मरना कहा जाता है. अरे स्टूडेंट कमेंट्स यस इट इज सेड डाइंग आफ्टर गोइंग क्लोज टू द परमानेंट चैरियट. शिव बाबा किसी को मारने के लिए आया है क्या? हैज शिव बाबा कम टू किल एनीवन? है शिव बाबा मरने में तो दुख होता है ना. शिव बाबा देयर इज सॉरो इन डेथ इजंट देयर? तो शिव बाबा की बात तो अलग लेकिन देहधारी. सो इट इज समथिंग डिफरेंट अबाउट शिव बाबा बट द बॉडीली बीइंग. दुख देहधारी से मिलता है या आत्मिक स्थिति वाले से मिलता है? डू वी रिसीव सॉरो फ्रॉम द बॉडीली बीइंग और फ्रॉम द वन हु रिमेन्स इन द सोल कॉन्शियस स्टेज? देहधारी से दुख मिलता है. वी रिसीव सॉरो फ्रॉम द बॉडीली बीइंग. तो इसके पास आकर माने? सो आफ्टर गोइंग क्लोज टू दिस वन व्हाट डज गोइंग क्लोज टू दिस वन मीन? ये जो पतितम कामी कांटे धारी आत्मा है पतितात्मा आदम जिसे कहते हैं अर्जुन कहते हैं इसके पास आकर के मरना कहा जाता है. दिस सोल हु इज द मोस्ट इम्प्योर लस्टफुल थॉर्न द इम्प्योर सोल द वन हु इज कॉल्ड आदम अर्जुन इट इज सेड डाइंग आफ्टर गोइंग क्लोज टू दिस वन. क्यों? वाई है? क्यों मरना कहा जाता है? वाई इज इट सेड डाइंग? अरे इसमें तो शिव बाप प्रवेश है ना. अरे द फादर शिव हैज एंटर्ड दिस वन हैजंट ही? तो शिव तो सदा कल्याणकारी है. इन फैक्ट शिव इज बेनिफिशियल फॉर एवर. कि कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी नहीं? और इज ही बेनिफिशियल समटाइम्स एंड हार्मफुल समटाइम्स? नो. बाकी जिसे में प्रवेश करता है वो सदा कल्याणकारी है. एज फॉर द रेस्ट इज द वन हुम ही एंटर्स बेनिफिशियल फॉर एवर? सदा कल्याणकारी नहीं है. ही इज इन बेनिफिशियल फॉर एवर. तो जब तक संपूर्ण न बने तब तक अकल्याणकारी भी रहेगा या नहीं रहेगा? सो अंटिल ही बिकम्स कम्प्लीट विल ही ऑल्सो बी हार्मफुल और नॉट? ही विल. सारी दुनिया का विनाशकारी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? प्रैक्टिकल में कहा जाएगा.
Will he be called the destroyer of the entire world in practice or not? He will. तो दुखदाई हुआ या सुखदाई हुआ? So, is he the giver of sorrow or is he the giver of happiness? दुखदाई हुआ. He is the giver of sorrow. तो दुख देगा तो भी मरना कहा जाता है. So, even if you give sorrow, it is called dying. अब ये दुख देगा तो भी बाप आकर क्या करते हैं? शिव बाप. Now, if this one gives sorrow, still, what does the father Shiv do after coming? शिव बाप आकर के adopt करते हैं. The father Shiv comes and adopts the children. किसके द्वारा? Through whom? जिसमें प्रवेश करते हैं काम निकालने के लिए उसका नाम अम्मा ब्रह्मा देते हैं और उसे परम ब्रह्म के द्वारा adopt करते हैं. The one he enters in order to have the work done, he gives him the name Mother, Brahma, and he adopts the children through that Param Brahma. क्या? What? तुम मेरे बच्चे हो. He adopts them, saying, "You are my children." है? Adopt करते हैं तो बच्चे बाप का बनते हैं. When he adopts the children, they belong to the father. किसको adopt करते हैं? आत्मा को या देह को? Who does he adopt? Does he adopt the soul or the body? Adopt आत्मा को करते हैं. Student replies, he adopts the soul. Adopt? Adopt. Adopt माने ये मेरा बच्चा है, बच्चा मेरा आत्मा है या देह? To adopt means, he says, this one is my child. Is my child the soul or is it the body? है? कौन है? Who is my child? आत्मा मेरा बच्चा है. The soul is my child. मैं खुद आत्मा हूँ तो मेरा बच्चा क्या होगा? When I myself am a soul, what will my child be? बच्चा भी तो आत्मा ही होगा ना? The child will also be a soul, won't he? बाकी मैं इस शरीर को control? As for the rest, I will control this body. हाँ, इसकी नाक में तो नकेल डाल के रखूँगा. Student comments, yes, I will put a nose ring on his nose. इसकी इंद्रियों को अपने तरीके से नहीं चलने दूंगा. I won't let him use his indriya according to his own wish. किसके तरीके से? According to whose wish? इस अर्जुन की आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, ये चाहे हाँ तो जैसे भी पुरुषार्थ करे. I have left the soul of Arjun free. He may make purusharth as he wishes. तो बताया, तो बाप आकर एडाप्ट करते हैं तो बाप का बच्चे बनते हैं. So, it was said, when the father comes and adopts you, you become the children of the father. बनेंगे तो डायरेक्शन पर चलना पड़े या बिना डायरेक्शन के चले बन जाएंगे? If you become his children, will you have to follow his directions or will you become his children without following his directions? चलना पड़े. You will have to follow his directions. एक बाप को छोड़ करके दूसरा बाप करना माने एक बाप मर गया. To leave one father and to accept another one means the first father is dead. एक से मर करके दूसरे बाप के पास जीने लगे. You died for the first father and started living with the second father. Yeah. What? तो किस बाप को छोड़ा और किस बाप के पास जिए? So, which father did you leave and with which father did you live? है? क्या करना है? What should you do? लौकिक बाप के पास मरना और पारलौकिक बाप के पास रहेंगे तो जीना. You should die from the लौकिक father and if you stay with the पारलौकिक father, it is called living. है? जिंदगी मिलेगी. You will attain life. जीवन मुक्ति मिलेगी. You will attain liberation in life. तो बताया, शिव बाप के पास मन बुद्धि रूपी आत्मा रहे तो जीवन मुक्ति या देहधारी बाप की याद में आत्माएं रहेंगी तो जीवन मुक्ति मिलेगी? So, it was said, is it liberation in life if the mind and intellect like soul remains close to the father Shiv? Or will the souls attain liberation in life if they remain in the remembrance of the bodily father? क्योंकि यहाँ तो दो बापों का सवाल है, एक पारलौकिक बाप और एक
एक लौकिक बाप इस लोक का. इट इज बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टू फादर्स हियर. वन इज द पारलौकिक फादर एंड अनदर वन इज द लौकिक फादर हु बिलोंग्स टू दिस लोक. लोक माने संसार. लोक मीन्स द वर्ल्ड. इस संसार का कौन सा बाप की बात हो रही है? द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग इज अबाउट विच फादर ऑफ दिस वर्ल्ड. अरे प्रजापिता की बात हो रही है, आदम की बात हो रही है. सारी 500-700 करोड़ जो भी सृष्टि पर प्रजा है सब की बात हो रही है. अरे इट इज अबाउट प्रजापिता, अबाउट आदम. इट इज अबाउट ऑल द 5-7 billion सब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड. सब का बाप. ही इज द फादर ऑफ एवरीवन. तो बताया ये दो बाप हैं. सो इट वॉज सेड दीज आर द टू फादर्स. एक पारलौकिक बाप और एक लौकिक बाप. वन इज द पारलौकिक फादर एंड अनदर वन इज द लौकिक फादर. तो किसका बनना है? सो हु शुड यू बिलोंग टू? पारलौकिक बाप का बनना है. यू शुड बिलोंग टू द पारलौकिक फादर. और अगर उसको बुद्धि से छोड़ दिया, मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना अव्यक्त. एंड इफ यू लीव हिम थ्रू द इंटेलेक्ट, द माइंड एंड इंटेलेक्ट लाइक सोल इज सटल, इजंट इट? कि आंखों से देखने में आती है मन बुद्धि? नहीं. और आर द माइंड एंड द इंटेलेक्ट विजिबल थ्रू द आईज? नो. तो आत्मा जो है, सो द सोल, अगर स्मृति में उस बाप की याद रहती है जो अव्यक्त है, इन आंखों से देखा नहीं जाता. इफ यू रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट फादर हु इज सटल, हु इज इनविजिबल थ्रू दीज आईज. तो ठीक है भाई, बाप के बच्चे हैं, मरे नहीं है, जिंदा है. देन ब्रदर इट इज ऑल राइट. यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द फादर, यू आर इन डेड, यू आर अलाइव. और फिर लौकिक बाप की बुद्धि में याद रहती है, चेहरा याद आता है, बातचीत करते हैं या लगाव रखते हैं. एंड इफ यू हैव द रिमेम्बरेंस ऑफ द लौकिक फादर इन इंटेलेक्ट, इफ यू रिमेम्बर हिज फेस, इफ यू टॉक टू हिम, इफ यू हैव अटैचमेंट फॉर हिम, या उसके पास मन बुद्धि से बैठे रहते हैं, और इफ यू कीप सिटिंग क्लोज टू हिम थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट. तो पहले वाले बाप को छोड़ दिया, उससे मर गए, या कहेंगे कि जिंदा है. Did you leave the first father? Did you die for him? Or will it be said that you are alive? मर गए. You are dead. तो दूसरे बाप के बन गए. So you became the children of another father. अब एक बाप को छोड़ करके दूसरा बाप करना, ये अच्छी बात है क्या? Now is it good to leave one father and accept a second? ये तो अच्छी बात नहीं. Certainly it isn't good. अभी जो लौकिक बाप है, नाउ द लौकिक फादर, कौन है? हु इज ही? बड़े से बड़ा लौकिक बाप कौन है? हु इज द बिगेस्ट लौकिक फादर? है 500-700 करोड़ का जो बाप कहा जाता है, आदम, एडम, आदिदेव, अर्जुन, वो लौकिक बाप है. द वन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द 5-7 billion सोल्स, हु इज कॉल्ड आदम, एडम, आदिदेव, अर्जुन, इज द लौकिक फादर. अभी शरीर कोई बच्चा छोड़ेगा है? तो एक बाप को छोड़ करके फिर दूसरे बाप के पास जाके जन्म लेगा. इफ सम चाइल्ड लीव्स हिज बॉडी नाउ, ही विल लीव वन फादर एंड गो टू अ सेकंड फादर टू बी बॉर्न. नहीं. नो. हाँ. स्टूडेंट रिप्लाइज यस. तो मर गया ना. सो ही डाइड डिडंट ही? हाँ. तो ये भी ऐसा ही है. यस. सो दिस इज ऑल्सो द सेम. क्या? वॉट? शिव बाप के बने तो किस लिए बने? इफ यू बिकेम द चिल्ड्रन ऑफ फादर शिव, व्हाई डिड यू बिकम दैट? देवताओं का जन्म लेने के लिए बने. डिड यू बिकम हिज चाइल्ड टू बी बॉर्न एज डीटीज? दिव्य जन्म लेने के लिए बना. डिड यू बिकम हिज चाइल्ड इन ऑर्डर टू हैव अ डिवाइन बर्थ? जीवन मुक्ति पाने के लिए बच्चा बना, या इस मृत्यु लोक का बनने के लिए बना? डिड यू बिकम हिज चाइल्ड टू अटेन लिबरेशन इन लाइफ, और डिड यू बिकम हिज चाइल्ड टू बिलोंग टू दिस मृत्यु लोक, द मॉर्टल वर्ल्ड?
मृत्यु लोक में मनुष्य है, देर आर ह्यूमन बींग्स इन मृत्यु लोक, और देवलोक में देवता है, एंड देर आर डीटीज इन देवलोक, द अबोड ऑफ डीटीज। तो जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति सदा काल की कौन भोगते हैं? सो हु एक्सपीरियंस लिबरेशन फॉर एवर फ्रॉम सोरो एंड पेन व्हाइल रिमेनिंग अलाइव? देवताएं या मनुष्य? इज इट द डीटीज और द ह्यूमन बींग्स? मनुष्य भोगते हैं। स्टूडेंट रिप्लाइज, डू द ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस इट? देव आत्माएं भोगती है। स्टूडेंट रिप्लाइज, द डीटी सोल्स एक्सपीरियंस इट? देव आत्माएं नाम ही तब पड़ता है कि उनके अंदर दूसरे को सुख देने की लालसा रहती है। द वेरी नेम डीटी सोल्स इज गिवन बिकॉज दे हैव द डिजायर टू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स विद इन देम। सुख लेने की लालसा नहीं रहती है। दे डोंट हैव द डिजायर टू टेक हैप्पीनेस। तो अपन के अंदर देखना है कि हम किस बाप के बच्चे बने हैं। सो यू शुड चेक विद इन योर सेल्फ, वी हैव बिकम द चिल्ड्रन ऑफ विच फादर? है दाता बाप के बच्चे बने हैं या लेता बाप के बच्चे बने? हैव वी बिकम द चिल्ड्रन ऑफ द फादर हु इज द दाता द गिवर, और हैव वी बिकम द चिल्ड्रन ऑफ द फादर हु इज द लेता द वन हु टेक्स? यहाँ दो बाप से तुम्हारा पाला पड़ा है। योर कनेक्शन इज विद टू फादर्स हियर। या व्हाट? एक लौकिक, वन इज द लौकिक फादर, दाता है कि लेता है? इज ही अ दाता और अ लेता? क्या करता है वो? व्हाट डज ही डू? सही सही बताओ। लेता है। स्पीक द ट्रूथ, ही टेक्स। चाहे सेवा लेता है, चाहे कुछ भी लेता है। वेदर ही टेक्स सर्विस और एनीथिंग, ही टेक्स इट। वो देता कुछ भी नहीं है। ही डजंट गिव एनीथिंग। क्यों? व्हाई? तमो प्रधान है, राक्षस है कि देवता है? इसी तमो प्रधान अ डीमन और इज ही डीटी? क्या है? व्हाट इज ही? अरे जब विनाश करेगा सारी दुनिया का, देवता दिखाई पड़ेगा, बड़े से बड़ा राक्षस दिखाई पड़ेगा है? अरे व्हेन ही डिस्ट्रॉयज द एंटायर वर्ल्ड विल ही अपीयर टू बी अ डीटी और विल ही अपीयर टू बी द बिगेस्ट डीमन? क्या दिखाई पड़ेगा? हाउ विल ही अपीयर? अरे क्या मन मानेगा, दिल क्या कहेगा, ये कौन है? अरे व्हाट विल द माइंड फील, व्हाट विल द हार्ट से, हु इज ही? राक्षस हुआ ना। स्टूडेंट रिप्लाइज, ही इज अ डीमन इजंट ही? यस। तो उस दुखदाई से तो मरना चाहिए, या जो सुख देने वाला है, सदा दाता है, सुख का सागर है, उसके साथ रहना चाहिए। सो यू शुड बी डेड, रिनाउंस द वन हु गिव्स सोरो, एंड यू शुड स्टे विद द वन हु गिव्स हैप्पीनेस, हु इज अ गिवर फॉर एवर द ओशन ऑफ हैप्पीनेस, शुडंट यू? किसके पास रहना चाहिए मन बुद्धि से? हु शुड यू स्टे विद थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट? दोनों के साथ। स्टूडेंट रिप्लाइज, विद बोथ ऑफ देम। अच्छा, जिसे मैं प्रवेश किया उसके साथ रहना, मुकर्रर रथधारी के साथ? स्टूडेंट कमेंट्स, अच्छा, शुड यू स्टे विद द वन ही एंटर्ड द परमानेंट चैरियट? अरे मुकर्रर रथधारी आत्मा तो तमो प्रधान है। अरे द सोल ऑफ द परमानेंट चैरियट इज तमो प्रधान। क्या, किस सतो प्रधान? व्हाट, और इज ही सतो प्रधान? हाँ, उसके साथ रहेंगे तो वो तो दुख ही देगा। इफ यू स्टे विद हिम ही विल डेफिनेटली गिव सोरो। और उसमें जो दूसरी आत्मा प्रवेश है ना, शिव सुप्रीम सोल, एंड द अदर सोल शिव द सुप्रीम सोल हु हैज एंटर्ड हिम, वो तो सदा कल्याणकारी है, सदा शिव है। इज ही बेनिफिशियल फॉर एवर? इज ही सदा शिव फॉर एवर बेनिफिशियल? या कभी है कभी नहीं है? Or is he beneficial sometimes and sometimes he isn't? Sada hai. He is beneficial forever. To dekho, ab aise nahi karna laukik duniya ki tarah. So look, now don't do like the people of the laukik world. Ki jaise wahan ek baap ke paas janam liya, phir sharir choda, to dusre baap ke jaake ban gaye. Just like there, if someone is born to one father
एंड देन लीव्स द बॉडी ही बिकम्स द चाइल्ड ऑफ अनदर फादर. दूसरे बाप के जाके बने इवन व्हेन दे बिकेम द चाइल्ड ऑफ अनदर फादर तो भी लौकिक बाप ही मिला कि पारलौकिक मिल गया. डिड दे फाइंड ओनली द लौकिक फादर और डिड दे फाइंड द पारलौकिक फादर? लौकिक ही मिला. दे सर्टनली फाउंड द लौकिक फादर. और यहाँ तो? एंड हियर? यहाँ तो तुमको कौन सा बाप मिला? विच फादर डिड यू फाइंड हियर? पारलौकिक बाप. द पारलौकिक फादर है जिस पारलोक में शांति शांति. There is peace and only peace in that world beyond, Parlok. और वो बाप शांति धाम का अधिष्ठाता मुखिया है. And that father is the governor, the chief of the abode of peace. उस शांति धाम में सब शांत रहते. Everyone remains peaceful in that abode of peace. कोई अशांत आत्मा नहीं. There is no restless soul there. परंतु बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं वो सुप्रीम सोल शिव. बट वेन द फादर दैट सुप्रीम सोल शिव कम्स टू दिस वर्ल्ड तो सुख की दुनिया निर्माण करने आते हैं, बनाने आते हैं. क्योंकि जिस दुनिया में आते हैं वो तो पुरानी दुनिया होती है. ही कम्स टू एस्टेब्लिश क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस. इट इज बिकॉज द वर्ल्ड इन विच ही कम्स इज द ओल्ड वर्ल्ड. तो पुरानी दुनिया का विनाश कराना है. So he has to have the old world destroyed. अगर पुरानी दुनिया का खुद विनाश करे तो दोष किसके ऊपर आ जाएगा? If he himself destroys the old world, who will be blamed? वो ऊंचते ऊंच आत्मा जो भगवान कही जाती है, खुदा जो अपनी मर्जी से ही आता है. That highest of the high soul who is called God, खुदा who comes as per his wish. उस खुदा के ऊपर दोष आएगा है कि खुदा के बंदों के ऊपर दोष आएगा अगर वो दुख दे तो. विल दैट खुदा बी ब्लेम्ड इफ ही गिव सॉरो और विल हिज सर्वेंट्स बी ब्लेम्ड? खुदा के ऊपर दोष आ जाएगा ना. हाँ खुदा विल बी ब्लेम्ड वोंट ही? यस. तो बाप कहते हैं मैं तो दोषी बनता ही नहीं हूँ. सो द फादर सेज आई डोंट बिकम अ कल्प्रिट एट ऑल. न दोषी बनता हूँ हाँ, मैं सुखदाता बनता हूँ हाँ, मैं रास्ता बताता हूँ. नीदर डू आई बिकम अ कल्प्रिट नॉर डू आई बिकम द गिवर ऑफ हैप्पीनेस. यस आई शो द पाथ. क्या? व्हाट? गली दिखाता हूँ इस रास्ते पर जाओ. आई शो यू द लेन सेइंग गो ऑन दिस पाथ. इस गली में जाओगे तो तुम सुखधाम में चले जाओ. इफ यू गो ऑन दिस लेन यू विल गो टू द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस. तो कौन से बाप का बनकर रहना है? सो यू शुड बिलोंग टू एंड स्टे विद विच फादर? किसी की याद में रहना है. इन हूज रिमेम्बरेंस शुड यू बी? आत्मा हो मन बुद्धि स्वरूप आत्मा हो तो सदा शिव की याद में रहना चाहिए ना. व्हेन यू आर अ सोल द सोल इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट यू शुड स्टे इन द रिमेम्बरेंस ऑफ सदा शिव शुडंट यू? उसी बाप का बच्चा बनना चाहिए ना. यू शुड बिकम द चाइल्ड ऑफ दैट वेरी फादर शुडंट यू? उसी के पास बैठना चाहिए ना. हाँ यू शुड सिट नियर हिम अलोन शुडंट यू? यस. लेकिन वो तो आया हुआ है तो देहधारी में. बट ही हैज इन फैक्ट कम इन अ बॉडीली बीइंग. भले देहधारी में आया हुआ है. ऑल्दो ही हैज कम इन अ बॉडीली बीइंग लेकिन फिर भी अपन को आत्मा समझ है उस बाप की याद में रहना है. किस बाप की? यू शुड कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल एंड रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट फादर. विच फादर? जो देह में रहता है फिर भी देह में उसका कोई लगाव नहीं होता. ही इज द वन हु डज स्टे इन द बॉडी बट ही डजंट हैव एनी अटैचमेंट टू द बॉडी. ओम शांति. ओम शांति.